हमारे पास एक क्लास है ए वन नेम से, दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं क्लास क्लास वन, और तीसरा क्लास सी वन। ठीक है, हमारे पास थ्री क्लासेस हैं। तो ए वन जो है हमारी पेरेंट क्लास है और बी वन चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास कैसे बनेगा इसका, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड ए वन। ए वन को एक्सटेंड कर लेंगे तो ये बी क्लास का पेरेंट हो जाएगा, ए वन क्लास। ओके, नेक्स्ट इसका भी मैंने क्रिएट कर लिया क्लास सी वन जो है, इसको एक्सटेंड कर लो ए वन से, तो ये इसका पेरेंट हो गया। ठीक, तो दो पेरेंट क्लास हैं हमारे पास, सॉरी एक पेरेंट क्लास है ए वन और दो चाइल्ड क्लास है बी वन और सी वन। ठीक है, एक क्लास क्रिएट करते हैं क्या नाम से, टेस्ट नेम से, टेस्ट क्लास टेस्ट। ठीक है, इसके पास एक मेन मेथड है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने क्लास न्यू सी वन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट सी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। टेस्ट और एक क्लास बनाया गया था आपका सी और ए और बी है ना, और एम सी और बी बना लो। ठीक है, ये दोनों क्या है, पेरेंट क्लास है, टेस्ट क्लास। 1 मिनट, शायद हमने साइड बाय साइड रखना था। ठीक है, दिख रहा है ना यार, सही है, चलो दिखेगा। क्लास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट यस किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया किसका, सी का। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सी वन, सी वन एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू बी वन, साइन कर दो बी वन में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब हमें हमने एक हमें क्या करना है, एक मेथड कॉल करना है कि डेटा जो है सी वन जो है, जिसका ऑब्जेक्ट है सॉरी सी वन जो है, पेरेंट कौन है, ए वन। क्या सी वन का पेरेंट बी वन है, क्लास बी? नो सर, नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसके डेटा को असाइन करना चाहूँ, मीन्स एक्सेस करना चाहे अगर क्लास बी को, तो पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका नहीं, इंट ए कॉमा, इसके पास एक वेरिएबल है इंट ए और इसके पास भी एक वेरिएबल है इंट एक्स नाम का। ठीक है, तीन वेरिएबल इंट ए और एक्स। ठीक है, मुझे अब क्या करना है कि मान लो एक मेथड मैंने क्रिएट किया, पब्लिक या फिर सीधा वर्ड ले लो वर्ड, और मेथड का नेम ए बी सी, कोई एक मेथड है ए बी सी, और इसको हम क्या बनाएंगे यहाँ पर। अगर कल की क्लास की बात करें तो अगर मैं
चाहता हूं कि इसमें अपने ऑब्जेक्ट का डेटा सेंड करूं, तो अगर C1 ऑब्जेक्ट पास करता हूं C, तो ये टाइटली कनेक्टेड हो जाएगा किसके साथ, C के लिए। सिर्फ क्लास C का ही ऑब्जेक्ट इस मेथड को एक्सेस कर सकता है, दूसरा नहीं, है ना। क्लास C के जो मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं इस मेथड को, दूसरा नहीं, है ना। तो क्लास बी के लिए, क्लास बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। इन दोनों को मैं चाहता हूं कि क्लास सी का भी एक डेटा मेंबर जो है वो एक्सेस कर सके और क्लास बी का भी अपना डेटा हमें पास कर सके, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक कॉमन कॉमन क्लास यूज करेंगे। कॉमन कौन है इसके लिए, इन दोनों के लिए कॉमन कौन है, क्लास ये ना, इनके सुपर क्लास। ये हाँ, A1, A1 क्या है इसकी, इन दोनों की सुपर क्लास है, दोनों की सुपर क्लास को बोल दिया, ठीक है। क्या बोला कि A1 अगर मैं पास करता हूं किसका डेटा, सेट करो डेटा किसका, C का, C1 में हमने पास कर दिया डेटा, तो A1 रेफरेंस, A1 डॉट वेरिएबल है किसका, अभी किसका दिखा रहा है, ओनली एक्स का ना। A1 के पास क्या है, सिर्फ एक्स का वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, एस आउट करो, एस आउट A1 डॉट एक्स, ठीक है, A1 डॉट एक्स, या फिर A1 A कर लो, सिंपल A1 डॉट A। अब A इसके पास भी वेरिएबल रखो, बता रहा हूँ, देखो हमारे तीनों के पास A नाम के वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, A A A वेरिएबल। अब मैंने एक मेथड, इस मेथड को कॉल किया, क्या नाम है मेथड का, ABC। तो ABC मेथड जो है ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड ना। नॉन स्टैटिक मेथड हमेशा किस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल किए जाते हैं, तो C1 डॉट कौन सा मेथड कॉल किया जाएगा, ABC मेथड। ABC मेथड अवेलेबल क्लास A के पास, सॉरी किसके पास, क्लास ABC मेथड अवेलेबल है, बोलो। नहीं ना, क्या क्लास A के पास है ये मेथड नो सर, अवेलेबल, क्लास A के पास नहीं है, ना ही ये नहीं क्लास सर। सी के पास है और ना ही क्लास ए के पास है ये मेथड। अगर हमें एक्सेस करना है तो ये जो है सी रेफरेंस है, ये अगर आप किसकी बात करते हैं, अपकास्टिंग की, तो अपकास्टिंग के केस में क्या होता है कि ये सीधा पैर चाइल्ड टू पेरेंट मूव करता है ना, तो चाइल्ड से ये डेटा जा रहा है किसको एक्सेस करने के लिए, पेरेंट के पास। चाइल्ड के पास तो मेथड नहीं है ABC, ठीक है, ABC ये मेथड नहीं है उसके पास कि वो C1 को डेटा पास कर सके, ठीक है, या कुछ भी डेटा पास कर सके इसके अंदर, ठीक है। तो एक काम करो, अगर हाँ, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इस ABC को हमें किसके क्लास में बनाना पड़ेगा, A1 की क्लास में, ताकि B1 भी इसको एक्सेस कर सके और C1 भी इसको एक्सेस कर सके, दोनों, है ना। नहीं तो फिर हमें अगर इस क्लास में रखा है अपने टेस्ट क्लास में, तो टेस्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। समझो, यहाँ पास C1 के पास ABC मेथड नहीं है, वो सर्च करने जाएगा उसके पेरेंट के पास, वहां भी ये मेथड अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबल है कहाँ, किसके पास है, इस क्लास के पास है, किस क्लास के पास, टेस्ट क्लास के पास ना।
टेस्ट क्लास, तो एक टेस्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। न्यू टेस्ट अब टेस्ट क्लास के पास एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है? नॉन स्टैटिक मेथड। तो बताओ टेस्ट टेस्ट मेथड कॉल कर सकता है ए बी सी को? अगर हमने पास किया बी वन या सी वन, कोई से भी डेटा, ठीक है, बी वन या सी वन, तो ये ए वेरिएबल, ए ए में क्या डेटा स्टोर्ड है, ए में क्या डेटा स्टोर्ड है, कौन सा प्रिंट करेगा बोलो। अगर मैंने बी वन पास किया तो आउटपुट क्या आना चाहिए? अभी यहाँ सभी में तो 0 0 0 डिफॉल्ट वैल्यू है ना। यस, इसको मैंने मान लिया, इसको बी है, इसको बोलते हैं 20, ए है, इसको बोल देते हैं 10, और इसमें 30, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया अभी। तो सभी के पास डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर है, यस ए थ्री, ठीक है। पास करो बी का ऑब्जेक्ट, बी वन का ऑब्जेक्ट, बी वन का ऑब्जेक्ट पास किया इसको, तो बी वन यहाँ पास जो है अभी, ये है पेरेंट का रेफरेंस, तो पेरेंट का रेफरेंस ए वन, ए वन किसको पॉइंट कर रहा है? पेरेंट को। लेकिन ये ए वेरिएबल किसका है, पेरेंट का है या चाइल्ड का है? पेरेंट का ये है या चाइल्ड वेरिएबल तो सर तीनों का का ही है ना। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आउटपुट आना चाहिए? सर, आउटपुट सर टेस्ट डॉट ए बी सी बी वन है सर, बी का डाटा 20। क्या आना चाहिए? कंसोल नीचे करते हैं, या इधर कर लो साइड में। देखो यहां पास क्या है, क्या हो रहा, आउटपुट क्या आ रहा, 10। कैसे? ए वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना, यस बी वन सर, का, हाँ बी वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, बी वन का ऑब्जेक्ट पास किया। यहाँ जो है ए वन डिस्प्ले क्या कर रहा है आपका, रिकॉर्ड 10, डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर्ड इसके अंदर, 10 है ना। मान लो मैंने सेट किया एक एग्जांपल, अब डिफॉल्ट वैल्यू है 1 मिनट, 1 2, इसको सेव एग्जीक्यूट, और क्या है अभी, क्या अभी डिस्प्ले क्या किया, 10, 1 मिनट, इसको मैंने इसका 0, इसका कर दो 0, इन तीनों कर दो 0, ठीक है। अभी इसके अंदर, अब इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है ना। अभी क्या आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0। अरे क्या आ रहा है, सेव नहीं है कोई सा प्रोग्राम।
अच्छा इसको ये से होगा, ठीक है। जीरो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये कौन सा क्लास का डेटा एक्सेस कर रहा है, तो मुझे उस क्लास का नेम प्रोवाइड करो, हमें उसकी इंफॉर्मेशन जाननी है, इसका नेम बताओ, क्या नेम है, ये इस क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है। तो कैसे जानेंगे इस क्लास का नेम, ये किस क्लास का नेम है, कैसे जानेंगे? कल मैंने आपको बताया था क्लास का नेम जानने के लिए क्या यूज करते हैं हम। A1 है ना, A1 इसके पास देखो क्या है, क्लास का गेट क्लास, गेट क्लास है ना, एक मेथड है ना गेट क्लास, गेट क्लास इस ये क्लास कॉस को कॉल करेगा, इसके अंदर मिलेगा क्या, एक और मेथड, वो क्या नाम से, गेट क्लास डॉट गेट नेम मेथड, नेम जानने के लिए, ठीक है। इसने क्या दिया नेम, गेट क्लास डॉट गेट नेम प्रोवाइड करो, किसका वो क्लास कौन सा है जिसको आप लोड कर रहे हैं, कौन पेरेंट क्लास है इसकी, सुपर क्लास जो भी होगी, जो भी क्लास लोड किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पास डिस्प्ले करो, ठीक है। तो मैं इसका नेम किस में स्टोर होगा, स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग टाइप का नेम देगा, तो नेम में मैंने लिखा क्लास, ठीक है। इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें क्लास का नेम लिया ताकि हमें प्रॉपर आइडिया हो सके। तो कैनकेट कर दे, कैनकेट मतलब प्लस करना, यहाँ पर क्लास का नेम, चले एग्जीक्यूट करें एक बार, देखते हैं आउटपुट क्या है इसका। इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा, बोलो। बी वन बी क्लास का नेम लोड हो रहा ना, ये क्या आ रहा है, यस यहाँ सर, क्लास ए का डेटा लोड हो रहा है या क्लास बी का, बी का सर, बी का लोड हो रहा, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, किसका, ए का या बी का, यहाँ पास ये आउटपुट ए का प्रिंट हो रहा है या बी का, कैसे जानेंगे। देखो ए क्लास का अगर होगा तो यहाँ पास अब हम बी में असाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी में बी डॉट, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, कंफ्यूज होना तो बता देना यार, ठीक है। ए डॉट और B1, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप दे जाएगा, डॉट ए में मैंने असाइन कर दिया वैल्यू 100, ठीक है, या 1001, ये असाइन कर दिए इसके अंदर ए वेरिएबल, ठीक है। देन दिस प्रिंट स्टोर रन, अब बताओ ये किसका लोड कर रहा है, ए डॉट बी, बट यहाँ पास बता क्या रहा है आपका कि क्लास जो लोड हो रहा है वो किसका लोड हो रहा, बी का। बी का, लेकिन यहाँ A1 डॉट ये पॉइंट किसको कर रहा है, पेरेंट क्लास को, है ना। तो पेरेंट क्लास का जो मेंबर है, अब यहाँ पर ध्यान दो, पेरेंट क्लास के पास ए वेरिएबल है, आपने यूज किया है रेफरेंस किसका, पेरेंट का, तो पेरेंट का जो मेंबर है वो बोल रहा है कि मैं ए क्लास को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता ए क्लास के पास, क्यों, क्योंकि इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो यहाँ पास मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए बोल रहे हैं, क्लास ए के, सॉरी क्लास सी के या क्लास बी के। तो ये इस प्रोसेस डायलेमा में रहता है, इस वजह से किसी के पास नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर श्योर नहीं हो पा रहा ना, यहाँ श्योर नहीं हो पा रहा है कि किसके पास भेज, लेकिन ऑब्जेक्ट लोड हो रहा है किसका, बी का, ठीक है।
तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ए रेफरेंस को कि ये भी जो डेटा है ये भी बी के मेंबर की बात हो रही है। अब देखो समझो, चीजें थोड़ी सी आपको लगेंगी लेकिन एक बार क्लियर हो जाएगा तो हमेशा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सी वन में ऐड किया C1.A इक्वल टू 2002, ठीक है। अब यहाँ पास एक मेथड मैंने अभी पास, अभी किसका पास कर रहे थे डेटा B1 का, अब मैंने पास कर दिया C1 का लोड। अभी ऑब्जेक्ट किसका लोड हो रहा, सी वन का डेटा लोड सीवन हुआ। अब हमें चाहिए C1 के डेटा को डिस्प्ले करो, तो C1 का डेटा डिस्प्ले करने के लिए रेडी है लेकिन ये समझ नहीं पाएगा ना, ये लॉजिक इसको कंफर्म नहीं समझ पा रहा है कि ये एक्चुअली किसको बोल रहा है। तो ये हमेशा जा रहा है किसको, A1.A को, किसके पास जा रहा है, हमेशा पेरेंट के पास चला जा रहा है, ये चाइल्ड के पास कभी भी मूव नहीं होगा क्योंकि इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाउन कास्टिंग। डाउन कास्ट कर रहे हैं ना हम, इस पेरेंट से आप ट्राई कर रहे हैं चाइल्ड को, तो पेरेंट से चाइल्ड के डेटा को क्या एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग, कास्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ कल मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया था, बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पेरेंट के पास इजीली जा सकता है लेकिन पेरेंट जो है चाइल्ड के पास नहीं आएगा, तो ये प्रोसेस है जाने का, लेकिन वापस ये डायरेक्ट नहीं आता है। इस अगर डायरेक्ट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है कौन सा, ये अप कास्टिंग है और ये डाउन कास्टिंग, डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। चलोगे यहां से ये ऊपर जा सकता है लेकिन ये ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये वाला डाउन कास्टिंग। सिंपल है यार, समझ में आ गया। कंफ्यूजन है, पेरेंट आ गया सर, आ गया। तो पेरेंट, हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट रेफरेंस किसका, पेरेंट का। पेरेंट का रेफरेंस मान लीजिए क्या है, ए A1 इक्वल टू चाइल्ड कौन है, डायरेक्ट आपको दे देते हैं, बस पेरेंट ही लिख दे, पेरेंट P1 और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो चाइल्ड का जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसके डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सॉरी चाइल्ड जो है पेरेंट का एक्सेस कर सकता है, बट रेफरेंस किसका, पेरेंट का, तो पेरेंट रिवर्स नहीं आ सकता चाइल्ड के पास, ये अपने टॉप पे जा सकता है, पेरेंट हमेशा अपने टॉप पर जा सकता है लेकिन पेरेंट चाइल्ड के पास रिवर्स नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको आपको डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी। डाउन कास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किसको, बताते हैं पेरेंट को। तो पेरेंट कौन है, पेरेंट कौन है, P1, ठीक है। तो P1 को करना पड़ेगा कि चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है, या चाइल्ड में आपको क्या करना है, इस चाइल्ड के पास डिलीवर करना। तो ये है कास्टिंग, ये है कास्टिंग, इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग। तो जब कास्ट हो जाए तो हम इसको स्टोर कर लेंगे रेफरेंस में एक्सेस करने के लिए। तो कास्टिंग मतलब बस यही है, ये है सिंबल, ये सिंटैक्स, ये हमने कर दिया चाइल्ड में कास्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहां। तो यस सर। अब यहाँ पर समझो,
कि अगर मान लो ये दोनों क्लास है, क्लास बी और क्लास सी दोनों क्लास है हमारे पास, दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तो हम क्या हमेशा लॉजिक इनके लिए अलग अलग लिखते रहेंगे क्या? कैसे बताएंगे कि ये क्लास बी का आ रहा है क्लास सी का आ रहा है? हाँ, किसका ऑब्जेक्ट है, कैसे चेक करेंगे? बार बार तो ये चेंज नहीं करेंगे ना, यहाँ पास जाके मेथड में बी वन लिखा तो अब बी वन के बाद यहाँ पास हम पास करेंगे सी वन लिखा तो अब पास करेंगे जाके फिर बी वन, क्यों यार? मेथड में बार बार ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे नहीं ना? नहीं, तो हमें क्या करना होगा, एक मेथड जो हमने यहाँ पास दिया है इसके अंदर लॉजिक, कि अगर मान लो कि अगर यहाँ से बी वन का ऑब्जेक्ट पास होता है तो आप क्या करो, चेक करो कि ये क्या वो पेरेंट है ए वन का या नहीं। अगर बी वन का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, देखो डाउन कास्टिंग की बात करें, डाउन कास्टिंग में ही प्रॉब्लम है, अप कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब डाउन कास्टिंग किस लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको सियोरिटी नहीं है कि वो मेरा चाइल्ड है या नहीं है, तो वो क्या चाहेगा कि पहले आप बताओ श्योर हो कि आप मेरे चाइल्ड हो या नहीं, तो उसके लिए बोलेंगे कि आप चेक कर लो। तो कैसे चेक करेगा कि ये चेक करता है कि अगर बी वन जो है ए वन का इंस्टेंस है या नहीं, क्या बी वन इंस्टेंस का इसका चाइल्ड है या नहीं। यस, अगर है तो कास्टिंग करो, नहीं है तो कास्टिंग मत करो, ठीक है। अगर सी वन का भी अगर है तो चेक करो सी वन इसका पेरेंट है या नहीं, यस है पेरेंट तो कास्टिंग करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। तो यहाँ पास मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे लिख दे इसको इफ कंडीशंस के लिए। अभी अभी चीजें बताया नहीं है, इफ कंडीशंस वगैरह लूप कैसे लगाते हैं, तो बट थोड़ा सा है, मैनेज कर लेना। यहाँ मान लो इफ एक कंडीशन लगाया, कि इफ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो डेटा है ए वन, ए वन क्या है, पेरेंट है ना, ए वन पेरेंट है। हाँ, तो आपको क्या चेक करना है कि ए वन इंस्टेंस ऑफ बी वन, मतलब ए वन जो है ये इंस्टेंस है बी वन का, नहीं ए वन इंस्टेंस ऑफ बी वन, जो ये ए वन में जो डेटा है, मतलब जो भी डेटा आ रहा बी वन, आप समझिए जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, तो ए वन में ए वन पेरेंट है, पर्सन, पर्सन के अंदर क्या है ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है ये, मान लो पर्सन है, पर्सन के अंदर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो यहाँ पास हमने बोला कि ये जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट का, क्या इंस्टेंस स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, समझे? नहीं, ये लाइन नहीं समझ में, नहीं समझ में ना, देखो समझे इस लाइन को, मैंने बोला एक क्लास लिया, क्या नाम से कार ले लें, कार या फिर पर्सन ही ले लो, पर्सन क्लास है, ये क्या है आपका पेरेंट क्लास, ठीक है। आयुष, आयुष है क्या, ये बाकी सभी लोग किधर चले गए? नहीं है सर, आयुष। चलो अच्छा, तो जावा के एंड तक कितनी रह जाते हैं बस, क्या है कंटिन्यू क्लास हो जाती है ना, ठीक है। ये देखो पर्सन और ये क्लास स्टूडेंट, एक्सटेंड कर दिया पर्सन, समझना है ये इसका पेरेंट है।
अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट का ये S1, समझो ठीक है, S1 ये क्या स्टूडेंट का इंस्टेंस है, स्टूडेंट का इंस्टेंस है या नहीं? बोलो, S1 इस स्टूडेंट का इंस्टेंस है, इसका इंस्टेंस बोलेंगे, इस क्लास का इंस्टेंस है, ये टेम्पलेट है ना, यस ये टेम्पलेट है, इसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट होगा? ऐसे ही क्रिएट होगा। कितने इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं? सर 1, 2, 300 यस थाउजेंड मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ना स्टूडेंट का। यार सर यही तो मैं बताना चाहता था यार वहां पास। ये इंस्टेंस चेक कर रहा, तो यहाँ पास वो मेथड क्या पास कर रहा है? इंस्टेंस पास कर रहा है ना, कि ये टेम्पलेट पास कर रहा है? बोलो, यहाँ जो पास कर रहा है ये मेथड, ये टेम्पलेट पास कर रहा है इसका, ये इंस्टेंस पास कर रहा है? इंस्टेंस ना। यस सर इंस्टेंस हाँ, टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट ये है, लेकिन इसका इंस्टेंस क्रिएट किया गया ना यहाँ, तो इसलिए हमने बोला कि अगर मान लो कि यहाँ ये B1 है, तो ये B1 जो इंस्टेंस किसका है, ये B1 इंस्टेंस किसका है? क्या ये B1 का इंस्टेंस है B क्लास का? A1 में क्या स्टोर हो सकता है? A1 में अगर मान लो ये आया, एक एग्जांपल लो, यस यहाँ पर देखो सिंपल B1, अब ठीक है B1, अब सही है बोले सर अब सही है, तो B1 जो है इंस्टेंस है B क्लास का, इंस्टेंस है, यस या नो? इंस्टेंस है ना, इंस्टेंस। यस सर बाकी लोग क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं यार, सब लोग सो रहे क्या? ये इंस्टेंस, तो हम यहाँ पास पेरेंट से पूछेंगे कि हे पेरेंट, जो पेरेंट है कौन, पर्सन, तो पर्सन से पूछ रहे हैं कि हे पर्सन, जो S1 है, क्या ये इंस्टेंस है स्टूडेंट का? तो पर्सन होल्ड कर सकता है स्टूडेंट के भी डेटा को, पर्सन होल्ड कर सकता है एम्प्लॉई के भी, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इसके चाइल्ड्स हैं। तो यहाँ पास जो होगा, यहाँ इंस्टेंस किसका हो सकता है, यहाँ एम्प्लॉई, न्यू एम्प्लॉई का इंस्टेंस, एम्प्लॉई E1, ठीक है, E2, E3 मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसका इंस्टेंस है, इंस्टेंस ये इसका इंस्टेंस है, ये है टेम्पलेट क्लास का, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट, अब इस इंस्टेंस में किसका डेटा स्टोर करना है? मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, यस सर ये आपका ऑब्जेक्ट है, 1 मिनट, ये है ऑब्जेक्ट, देखिए इसको ऑब्जेक्ट समझ देना, ये है ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड का, जैसे कि आप हो गए, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड से, तो ये रियल वर्ल्ड का डेटा स्टोर कराने के लिए हम न्यू कीवर्ड करते हैं, लेकिन ये न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए है, और ये
किसके रेफरेंस से क्रिएट करता है, तो इसका एक ब्लू प्रिंट डिजाइन किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का डेटा हमें क्या स्टोर करना है, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट, है ना। सारी चीजें हमने डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में। यस सर, यस सर, यस सर, यह टेम्पलेट। तो टेम्पलेट इंस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का ही ब्लूप्रिंट होता है टेम्पलेट, टेम्पलेट से ही मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट किए जाते हैं, बस सिंपल यही और कुछ नहीं, ठीक है। ये है आपका चाइल्ड क्लास, ये पेरेंट क्लास, और कुछ जो चीज नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ अब हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो स्टूडेंट है, ये जो इंस्टेंस आ रहा है वो स्टूडेंट क्लास का है नहीं, यही क्लास क्लास है, रेफरेंस नहीं है, क्लास है, स्टूडेंट क्लास मिस, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट से माइक ऑफ करो, किसका ऑन है, ठीक है। तो यहाँ इंस्टेंस चेक किया, यस, अगर है यस ये इंस्टेंस है तो कास्ट करो, कास्ट करें, ठीक है। मान लो कास्ट कर दिया, कैसे कास्ट करेंगे इसको, माइक ऑफ करो यार, किसको ऑन, A1 ठीक है। तो A1 को हमने बोला कि हे A1 आपको क्या किया जा रहा, कास्ट किया जा रहा किसमें, B1 में, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्म करने के लिए B1 टाइप में, क्योंकि ये B1 का मेंबर है या नहीं, अगर yes, है तो आप B1 B में स्टोर कर लो डेटा, ठीक है। कास्टिंग समझ में है, ये कास्ट करा है किसका, यस सर, हाँ इसमें है तो आप डिस्प्ले कर बताओ, नहीं तो इफ, नहीं तो एल्स, एल्स एल्स चेक करो किसका, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करना है, फिर दूसरा कंडीशन चेक करो कि अगर इसका बी का नहीं है तो हो सकता है ए किसका हो, इंस्टेंस A1 किसका इंस्टेंस हो, बोलो, C1 का ना, सी का सर, C1, हाँ, अगर इसका नहीं हो, अगर इसका है तो कास्ट किया जाएगा, अगर नहीं है तो हो सकता है कि वो C1 का इंस्टेंस हो, यस, अगर C1 का है तो C1 में कास्ट कर दो, तो A1 को किस में कास्ट करेंगे, C1 में ना, C1 टाइप में, C1 टाइप में कास्ट करो, इसका आपको एक रेफरेंस मिलेगा, क्या नाम से, C1 इक्वल टू C, ठीक है। अब इसके बाद डेटा को डिस्प्ले कराओ, अब क्या असाइन करेंगे हम यहाँ, एल्स, लास्ट है एल्स, एल्स ब्लॉक क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक क्लास कास्ट एक्सेप्शन डिस्प्ले करो, क्लास कास्ट, क्लास नॉट फाउंड, एक प्रकार के एक्सेप्शन आएगा बट मैं लिखी देता हूँ, क्लास कास्ट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, माइक ऑफ करो, किसका आना है, माइक ऑफ करो, एल्स, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ हमने पास किया डेटा जो है A1 है, और इसमें असाइन कर दो A,
और यहाँ अब हमें क्या चाहिए, किसका डेटा डिस्प्ले कराना है, A1 का। कंट्रोल सेव प्रोग्राम, यस। एग्जीक्यूट प्रोग्राम A1, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या है, इस एक्चुअली क्या है ये कि क्या बोलते हैं इसको, टाइटली कनेक्टेड है, इसको लूज कपलिंग बनाने के लिए क्लासेस में लेते हैं, ठीक है। उसको खैर कोई बात नहीं, इसकी आप चिंता मत करो, बाद में देखेंगे, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। क्लास लेवल बनाने के लिए मेथड लेवल स्कोप, ठीक है। यहाँ अब मान लो एक हमारे पास क्लास क्या है, डिफरेंट क्लास है जो इससे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अभी देखो जो इससे बिलोंग नहीं करता है, किससे, इसका पेरेंट नहीं है ए का। अगर इसने पास कर दिया डेटा, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो बस देखो, मान लो एक क्लास मैंने क्या बनाया था, कंट्रोल एम टेस्ट ए बी सी, मान लो सी जो है, सी जो है किसका, सी को छोड़ो, डी ले लो, क्लास 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 एक्स ले नाम का एक क्लास क्रिएट कर लिया, सेम एक्स क्लास, एक्स वाई जेड क्लास जो भी है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, कंट्रोल एम न्यू एक्स, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट को पास कर दो किसको, मेथड को, क्या नाम है, एक्स एक्स, ठीक है। ये लाइन समझ में सिंपल है, तो मैंने टेस्ट ए बी सी को पास कर दिया एक्स, पास किया, तो ये सीधा क्या बोलता है, डायरेक्ट कि आप ए, ये तो सीधे बना कर रहा है ना, क्या कि द मेथड ए बी सी A1 इन द टाइप टेक्स्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहां जो है आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म किया जा रहा है, बट मान लो ये एक्चुअली अभी यहाँ की इस हिसाब से तो आपको सारे क्लासेस एक ही जगह अवेलेबल है इसलिए मिल रहा, लेकिन हम फ्यूचर में एक करेंगे क्या, इंटरफेस यूज करेंगे, तो वहां पर सभी क्लास की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है और ये मेथड कहीं और कॉल किया जाता है, उस टाइम पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो पास जो किया जाता है ऑब्जेक्ट कहीं दूसरे क्लास में, और यहाँ पास किया किया जा रहा है इस क्लास से, ठीक है। तो एक रेफरेंस होती है, तो वो पेरेंट क्लास के थ्रू गेट किया जाता है, तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में अगर कोई पास करता है तो यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट क्या करता है, ये तो मेथड बोला है कि ये क्या है, इसका पेरेंट जो है नहीं है, ए क्लास का रेफरेंस नहीं है, होल्ड नहीं कर सकता ये डेटा, समझ में आया, दूसरी क्लास नहीं होल्ड कर सकता। अगर वो फिर भी फोर्सफुली इसको पास किया जाएगा तो सीधा एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, वो है क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन देखने के लिए अभी आपको इंटरफेस बनाने पड़ेंगे, या फिर एक काम कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो ए बी सी एक मेथड, एक क्लास में और इसको ठीक है, चलो क्लास का एक्सेप्शन आपको उस कॉन्सेप्ट में बताएंगे, क्योंकि वहाँ इंटरफेस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए इसको अभी स्किप कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप यहाँ पास पास करो किसको, बी या C1 को, ठीक है। तो यहाँ पास कैसे कास्टिंग की जा रही है, ये इसके थ्रू। अब यहाँ पास हमें रेफरेंस मिल गया सी का, तो सी के थ्रू अब हम क्या असाइन कर देंगे, सी डॉट सी डॉट
ए वेरिएबल और स्टोर कर दो इसके अंदर ए वेरिएबल डॉट 5000 5000 5000, ठीक, इसमें असाइन कर दो। इसमें मैंने असाइन कर दिया बी का डेटा बी बी डॉट यहाँ 6000 सॉरी बी डॉट ए ना इक्वल टू 6000, ठीक, ये हमने डेटा असाइन कर दिया। ठीक, अगर कोई भी डेटा है तो अब हम जो डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे किसके A1 के रेफरेंस से, A1 रेफरेंस, अब हमें क्या देगा ये डायरेक्ट आपका रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है कौन सा क्लास का, ए क्लास बी क्लास सी क्लास। तो यहाँ जो हम पास कर रहे हैं वन मिनट यहाँ से ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो, यहीं से हमने जो डेटा पास किया था C1 डॉट ए वेरिएबल, क्या नाम है C1 डॉट ए ना, C1 डॉट ए नहीं है, C1 डॉट 8 देंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इंटर टाइप पर जाना पड़ेगा। टाइप कास्ट तो बी के डेटा में असाइन कर दो यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। एक्चुअली ये अभी ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास वगैरह बनाएंगे या फिर अभी सारी चीज देखेंगे तो वहां से ज्यादा क्लियर होगा, अभी इसको स्किप कर दो, ठीक है। हाँ, कास्टिंग पे बस देखो कास्टिंग कैसे करते हैं, अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग, यहाँ पास आपको पास करना पड़ेगा किसका, बी का डेटा बी डॉट ए और यहाँ भी यहाँ पास क्या करो सी डॉट ए, ठीक, इसको रिमूव कर दो, लूज आगे बताएंगे सारी चीजें बना के यहाँ, ठीक है। यहाँ हमने क्या कर दिया कास्टिंग कर दी, अब यहाँ पास जो डेटा आ रहा है A1 में क्या डेटा आएगा, A1 में क्या डेटा है, ये A1 B1 ये लोकल रेफरेंस हो गया ना, अब जो हम पास कर रहे थे अब बताओ ये पेरेंट का डेटा A फेच करेगा या चाइल्ड का डेटा, A1 सब चाइल्ड का, अब चाइल्ड का क्यों, क्योंकि हमने A1 को क्या कर दिया है कास्ट कर दिया है कि अब जो डेटा हमें मिलेगा किसका मिलेगा, पैरेंट का नहीं चाइल्ड का। तो एक ही मेथड है हमारे पास, वो है कौन सा, ABC मेथड आपको पास करेगा जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे। तो देखो अभी आपने ऑब्जेक्ट किसका पास किया, सी का ऑब्जेक्ट पास किया, डेटा क्या मिला A में, क्या स्टोर किया गया 2002। अगर मैं इसके जगह पर ऑब्जेक्ट पास करता हूँ B1, अब बताओ क्या डेटा मुझे मिलना चाहिए, 1001 1001, ऐसा समझ में। तो ये एक ही मेथड है, yes, जो भी ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डील करके दे रहा है माइनस। तो ये क्या कर रहा है, डाउन कास्टिंग खुद कर रहा है ना पेरेंट, और यहाँ पास देखो लूज कपलिंग यहाँ। तो एक ही मेथड से हम मल्टीपल काम कर रहे हैं ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जब चाहे हम एम्प्लॉय का डेटा पास कर दे रहे हैं, जब चाहे तब स्टूडेंट का डेटा पास कर देंगे, लेकिन है किसका, पर्सन का। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग डेज में मैंने बताया था कि पर्सन ईट कर सकते, ईट उसके पास ईट नाम का एक फंक्शन है, मेथड है, ईट मेथड है। तो अब बताओ ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो पर्सन है, पर्सन टाइप का, लेकिन ये स्टूडेंट है, तो कैंटीन में अगर ये खाने के लिए जाता है तो स्टूडेंट का जो वो क्या नाम है, बिलिंग सिस्टम, कि भाई आपको उसका मंथली वाइज होगा या फिर
पर डे होगा या फिर वीकली होगा, या उनका क्या रेट है, वो क्या क्या खा सकते हैं, कितना चार्जेस वो पे किए हैं, तो उनके लिए कितनी होनी चाहिए, और जो इम्प्लॉय है या फिर जो ट्रेनर है उनकी अलग सिस्टम होगी, उनका अलग बिलिंग होगा, उसका पेमेंट कौन करेगा, उनका पेमेंट शायद हो सकता है कंपनी करे, है ना। जैसे एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ के एम्प्लॉय के लिए वो फ्री है, वो जो भी खाएंगे, लेकिन क्या खाएंगे, हाँ जो भी यस अगर सर तो जो भी वो खा रहे हैं उनका उसका बिल कौन देगा, कंपनी देगी। लेकिन जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो उनका बिल कौन देगा, स्टूडेंट खुद पे करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक कॉमन मेथड बनाया ईट का। ईट में क्या होगा, अगर स्टूडेंट अगर खाता है तो उसका बिल अलग जनरेट करो, अगर ट्रेनर अगर कुछ चीजें परचेज करता है, कुछ चीजें लेता है, कुछ चीजें ऑर्डर करता है, तो उसका अलग जनरेट करो, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से मान लो हमारे पास एक कार है, कार हो गई पेरेंट, तो कार में अगर हमें कोई किस टाइप का इंजन अप्लाई करना है, कोई किस टाइप का इंजन लगाना है, तो कार है, कार एक सुपर क्लास होगी, उसकी मॉडल क्लास होगी, मॉडल मतलब उसकी चाइल्ड क्लास होगी क्या, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन अगर डाले तो पेट्रोल इंजन के हिसाब से वो वर्क करे, अगर डीजल इंजन लगाए तो डीजल इंजन के हिसाब से वर्क करे, तो मेन क्या है, कार है ना। सर तो ये चीज है, तो हम जो यस फंक्शन, सर हाँ तो पेरेंट क्लास को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, और चाइल्ड क्लास का डेटा अगर हम दे रहे हैं तो वो वर्क कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, जो आप डेटा दे रहे हैं। तो आपको यहाँ मैंने इस इंजन को कॉल किया, यहाँ पास पेट्रोल इंजन का मैंने डिटेल डाला, किसका, पेट्रोल इंजन का। तो यहाँ जो डिटेल मान लो ये पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल इंजन का मैंने डेटा सेट किया और पेट्रोल इंजन को कॉल किया। तो मैंने यहाँ पास क्या किया, पेट्रोल इंजन मान लो C1, तो मैं चाहता हूँ कि C1 का डिस्प्ले हो डेटा। तो ये किसका डेटा डिस्प्ले होगा इस टाइम पर, ये मेथड कॉल होगा और जाएगा सीधे पेट्रोल इंजन का डिटेल डिस्प्ले करेगा। लेकिन आप बोले नहीं पेट्रोल इंजन नहीं, मुझे क्या चाहिए इसका, तो आपने तुरंत क्लिक किया किस पे, डीजल इंजन पे, तो डीजल इंजन का डिस्प्ले कर दो डेटा। तो इसने क्या किया, डीजल इंजन का डेटा सेट किया और यहाँ पास डिस्प्ले कर दिया डीजल इंजन। समझ में आ रहा, एक ही फंक्शन से हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, यस सर कि कैसे रियूजेबल बना के, कैसे लूज कपलिंग, इसको होता है लूजली कपल। तो ये चीज समझ में आई कैसे चल रही है। हाँ सर हाँ सर हाँ सर इंस्टेंस ऑफ का यूज क्यों है, क्यों क्यों यूज कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये इस क्लास का इंस्टेंस है या नहीं, कौन ये है इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट, किस क्लास का, इस क्लास का, क्योंकि रन टाइम पर इस अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा इसे खुद नहीं मालूम होता है, ठीक है। इसलिए पहले ये चेक करता है कि पहले आप बताओ इंस्टेंस हो या नहीं, अगर इंस्टेंस हो तभी टाइप कास्टिंग होगी, यस इसने क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया। अगर फिर चेक किया C1 का इंस्टेंस है या नहीं ये डेटा, यस है, तो टाइप कास्ट कर दो और उसका डेटा फेच करो और डिस्प्ले करा दो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, टाइप कास्टिंग क्लियर हुई, अप यस कास्टिंग सर और डाउन कास्टिंग, कोई डाउट, हाँ सुपर सर कीवर्ड, दिस कीवर्ड, सुपर मेथड, दिस मेथड, यस सर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ओवरलोडिंग, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, वेरिएबल्स, ठीक है, सारे क्लियर। ये टॉपिक मॉड्यूल 1 आपका कंप्लीट हो गया है ना, मॉड्यूल 1 कंप्लीट, और जो इसमें कुछ चीजें बाकी हैं वो मैं आपको ऊप्स यस कॉन्सेप्ट में अच्छे से डील करेंगे, यस ठीक सर है, चलो। किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है।